मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद इस्तीफा ने साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही थी, सवाल पूछ रही थी, वो सही थे और वो सही साबित हुए। सवाल इस बात का कि एक इनके मंत्री लगभग 8 महीने से जेल में, आज एक मंत्री पकड़े गए और जेल में, 2 मंत्रियों के इस्तीफा होते हैं, लगातार मंत्रियों के इस्तीफे, 80% मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। सवाल ये उठता है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी इनके मंत्री और विधायक रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। तो मैं अरविंद से कहना चाहता हूं, बजाय इन मंत्रियों के आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जिस जिसको आपने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया वो तमाम लोग भ्रष्ट साबित हो पाए। इसलिए नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना देना चाहिए, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं, वही मनीष सिसोदिया है जो बार बार ट्वीट करके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे आदरणीय मनमोहन सिंह जी और श्री चिदम्बरम जी को लेकर के मनीष सिसोदिया ट्वीट किया करते थे। और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इतने बड़े खुलासे के बाद क्या चिदम्बरम और मनमोहन सिंह जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? तो आज मैं अरविंद से पूछ रहा हूँ, क्या निष्पक्ष जांच के लिए इस अभाकरणीय इस महाभ्रष्टाचार के ईमानदारी से जांच हो तो क्या आज आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? ये मैं मांग करता हूँ, निष्पक्षता के साथ जाँच होनी चाहिए। आखिर अरविंद को डर किस बात का है? दूध का दूध पानी का पानी होने देनी चाहिए। और आप जिन असूलों के साथ राजनीति में आए थे उन असूलों पर आज साबित होने के लिए आपका एक मौका है, अपना इस्तीफा दो और जांच को पूरा होने दो, यही मैं मांग कर